नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम LCM और HCF के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम HCL के बारे में पढ़ेंगे। LCM LCM की फुल फॉर्म है लोएस्ट सीई कॉमन की मल्टीपल। लोएस्ट को हिंदी में कम से कम कहते हैं। कॉमन को सम्मान, मल्टीपल को होना चाहिए। होता है कम से कम समान गुणज। उदाहरण के तौर पर हम 2 और 5 का राशि निकालेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल लिखेंगे। फिर 5 की टेबल लिखेंगे। हमें क्या देखना है? कम से कम समान गुणज। 2 इसमें है पर इसमें नहीं, 4 इसमें है पर इसमें नहीं, 6 इसमें है पर इसमें नहीं, 8 इसमें है पर इसमें नहीं, 10 इसमें है पर इसमें है। तो उसका उत्तर होगा 10। इस विधि के अलावा हम अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। विधि विधि द्वारा ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम 2 और 5 का सेम उदाहरण लेकर करेंगे। 2-5 कम से कम छोटी संख्या को में भाग देना है। दो दो को दो में दो का भाग एक बार गया और 5 में नहीं जा रहा तो 5 सीधे सीधे उतार देंगे। कम से कम इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। तो हम 5 लिखेंगे और 1 को सीधे उतार देंगे और 5 का भाग 5 बार 1 बार दे 1। ओके मतलब बार बार संख्या को 2 × 5 करेंगे बराबर आएगा 10। हमारा उत्तर पहले 10 आएगा। इस प्रकार एचसीएफ निकल जाता है। अब हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ एचसीएफ की फुल फॉर्म है HISTCT कॉमन कॉमन एफ डिफेक्टर। एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट को हिंदी में अधिकतम, कॉमन को समान, डिवीजन
डिविजर को भाजक कहते हैं। भाजक भाज्य भागफल शेषफल। हमें अधिकतम समान भाजक ज्ञात करना है। एलसीएफ की दो विधि है, विधि दी फर्स्ट अभाज्य गुणन खंड विधि। दूसरी विधि भागफल विधि। गुणनखंड विधि करेंगे, उदाहरण के तौर पर 12 और 16 को लेंगे। 12 और 16, 12 और 16 को लेंगे। एलसीएम को दोनों एलसीएम में दोनों का साथ में लिया जाता है, पर एलसीएम में अलग-अलग। पहले हम दो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग में इसमें देंगे, 6 बार जाएगा, फिर और 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, एक आने पर रुक जाना, फिर 2 का भाग देंगे, फिर बार 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग लेंगे, 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 1 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 एचसीएफ होगा। इन दोनों 2 का 2 उतारेंगे, इसका भी 2 उतारेंगे, बराबर एचसीएफ आ गया 4। अब हम दूसरी विधि भागफल विधि द्वारा करेंगे। सेम उदाहरण लेंगे 12 और 16 का, बड़ी संख्या को भाजक लिखेंगे। दूसरी विधि भागफल विधि द्वारा करेंगे, बड़ी संख्या को भाज्य लिखेंगे और छोटी संख्या को भाजक। फिर 12 हम सेम उदाहरण को लेकर करेंगे। 12 का भाग 16 में 1 बार जाता है, तो माइनस करेंगे तो 16 में से 12 गए, पीछे बचे 4। अब हम इस 12 को यहाँ पर भाज्य बनाकर लिखेंगे। 4 को 12 से भाग देना है, 12 में 4 का भाग देना है, तो 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा, आगे 12 खत्म हो जाता है।
जीरो आ गया तो भाग खत्म हो गया। अब हमें क्या देखना है, अधिकतम समान भाजक बाहर वाला भाजक होता है। तो एस सी एफ बराबर एस एस सी एफ बराबर चार उत्तर आ गया, पहले वाला में बेचारा है। इस प्रकार हमारे एस सी एफ ज्ञात करने की अभाज्य गुणनफल विधि भागफल विधि। मेरे पहले वीडियो को आपने लाइक शेयर किया, इसलिए धन्यवाद।